नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ड स्काई। छठ का पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। ये प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण और साया काल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर पूर्ण किया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। छठ पर्व के संबंध में पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। चार दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। छठ पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती द्वारा फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताई जाती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती बिना सिलाई किए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। इस व्रत को शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर ये पर्व नहीं मनाया जाता। छठ की व्रतधारी महिलाएं लगातार 36 घंटे का कठोर व्रत रखती हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करती। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के घर परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ करते हैं। अर्घ देने का दृश्य भक्तिमय होता है। सभी छठ व्रती नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होकर सामूहिक रूप में अर्घ दान संपन्न करते हैं। छठ का व्रत बहुत कठोर होता है। चार दिवसीय इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।